अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपने ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर स्पेशल प्रिपरेशन चल रही है क्योंकि इनका तीन बजे जो है वो लाइसेंस टेस्ट है। तो आज ये मॉर्निंग से आई हुई हैं और राइट नाउ ये प्रैक्टिस कर रही हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना पूरा ट्रेनिंग सेंटर जो है वो विज़िट करवाऊँगी, ये भी बताऊँगी कि आप किस तरह से इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अप्लाई किस तरह से करना है, वो सारा प्रोसीजर शेयर करूंगी। साथ ही साथ ये मेरी वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए भी है जो हमारे ट्रेनीज जो हैं यहाँ से पास आउट हो गए हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ले ली है लेकिन अभी लर्नर और लाइसेंस के लिए जो है वो प्रिपरेशन के लिए उन्होंने आना है। तो उनके लिए भी ये मेरी वीडियो है कि लाइसेंस टेस्ट जो है वो वहाँ पर किस तरह से होगा, किस तरह का ट्रैक होगा और किस तरह से आपने उसको पास आउट करना है, ठीक है, उस टेस्ट को किस तरह से आपने क्लियर करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलें जी, चलते हैं, प्रॉपर वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी, तो अब सबसे पहले ये हमारे जो है ट्रेनिंग सेंटर का एंट्रेंस है। यहाँ से हमारी ट्रेनीज जो हैं वो ट्रेनिंग के लिए आती हैं और इंटर होते ही ये देखें जी, सामने हमारी टेस्ट की प्रिपरेशन हो रही है, पूरा ट्रैक बनाया हुआ है जिस तरह से इनकी वहाँ पर ट्रैक जो है प्रॉपर टेस्ट जब लिया जाएगा तो जिस तरह का ट्रैक वहाँ पर बनाया गया है वही सेम वही ट्रैक जो है यहाँ पर बनाया गया है और उसी हिसाब से जो है हम इन्हें प्रिपरेशन करवा रहे हैं ताकि इनको वहाँ पर जाके किसी किस्म की डिफ़िकल्टी ना हो। अच्छा जी, ये हमारी एंट्रेंस है और ये सामने हमारा जो है वुमेन ऑन व्हील्स बाइक होल्डिंग एरिया है। यहाँ पर हमारी बाइक्स, मोटर बाइक्स खड़ी होती हैं, स्कूटी खड़ी होती हैं और इसके अलावा जो है साइकिलिंग, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होती है साइकिलिंग से। जैसे कि जो हमारे पास बाइक है वो भी टू व्हीलर है, साइकिल भी टू व्हीलर है। जब आपको साइकिल आती होती है तो उसमें ये होता है कि थोड़ा सा चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, आप साइकिल बैलेंस करते हैं तो बाइक की बैलेंसिंग थोड़ा सा जो है प्लस पॉइंट मिल जाता है, वो करना फिर मुश्किल नहीं लगती आपको, ठीक है। तो हमारी जैसे कि स्टार्ट जो है वो साइकिलिंग से होती है, साइकिल पहले चलाती हैं और उसके बाद जो है बाइक की बैलेंसिंग करती हैं, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप आगे ट्रेनिंग जो है वो जारी रहती है। अच्छा जी, अगर बाइक्स की बात करें तो ये बाइक्स हैं जिन पर हम ट्रेनिंग देते हैं, जिस सामने आपको वाओ का लोगो भी नज़र आ रहा होगा, वुमेन ऑन व्हील्स। और यहाँ पर ये यूनाइटेड की बाइक्स हैं, 70 बाइक्स हैं और इन पर जो है हम अपने ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देते हैं। और ये हमारे पास जी हमारी ट्रेनिंग के दौरान भी यूज़ होता है हेलमेट, लेकिन हम अपने न्यू आने वाले ट्रेनर्स को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हेलमेट और शर्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारी प्रिपरेशन चल रही है, टेस्ट की प्रिपरेशन चल रही है और गर्ल्स जो हैं वो काफ़ी थक भी गई होंगी सुबह से जो है वो प्रैक्टिस के लिए आई। और ये सामने जी हमारी वेटिंग एरिया है, इसमें लाइक एक ट्रेनी के साथ उनके पेरेंट्स भी आते हैं और बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे देखने को मिली है, पेरेंट्स खुद लेकर आते हैं कि हमारी बेटी को जो है वो मोटर बाइक की, स्कूटी की, साइकिलिंग की ट्रेनिंग दें। तो बड़ा ये एक पॉजिटिव साइन है जो यहाँ फैसलाबाद के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है। ये सामने वेटिंग एरिया है, वो पेरेंट्स वगैरह या फ्रेंड्स साथ आती हैं तो उन्हें जो है यहाँ पर वेट करवाने के लिए बिठाया जाता है जब तक उनकी ट्रेनिंग एंड नहीं हो जाती। देखिए जी, सामने ऊपर वुमेन ऑन व्हील्स वाओ, इंटरलूप सलमान सूफी फाउंडेशन और मदीना टाउन यूनिवर्सिटी, जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी मदीना टाउन का लोगो भी लगा हुआ है। और ये हमारी बाइक्स हैं, ये हमारी स्कूटी है जिसके ऊपर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और ये इतनी हैवी बाइक्स तो नहीं है, 70 है और इसमें जो है सबसे पहले तो उन्हें वेट फील करवाया जाता है ताकि वो बाइक का वेट उठा सकें और उसके बाद जो है प्रॉपर इनको बाइक की स्टार्टिंग और ये वो सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। ये आप देख सकते हैं जी, इंटरलूप का लोगो लगा हुआ है, सलमान सूफी फाउंडेशन का लोगो लगा हुआ है इसके ऊपर और ये स्कूटी है। स्कूटी की ट्रेनिंग जो है वो हम लास्ट में वैसे करते हैं क्योंकि सबसे पहले जो है बाइक की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद जो है हम स्कूटी की ट्रेनिंग करते हैं। उसमें मैं एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि आप
स्कूटी और बाइक के अंदर क्या डिफरेंस है, स्कूटी इजी है या बाइक इजी है। तो इसके लिए जो है, क्योंकि सम टाइम हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनका बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस है यहाँ से, मदीना टाउन यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर पड़ता है उन्हें, तो वो यहाँ पर नहीं आ सकती ट्रेनिंग के लिए। तो उनका ये है कि उन्हें कोई इस तरह का सोर्स जो है वो मिल जाए कि वो घर रहकर ट्रेनिंग कर सकें। तो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, इसमें यह है कि मैं एक प्रॉपर कोर्स बनाऊँगी और बेसिक से एडवांस की तरफ जो है वो हमारा कोर्स होगा, उसमें एक एक चीज़, एक एक टिप क्लियर करूँगी और टिप्स और टेक्निक्स के ज़रिए बताऊँगी कि आप किस तरह से घर में रहकर आप अपने सहन में भी जो है वो मोटर बाइक की ट्रेनिंग ले सकती हैं। आप अपने भाई को साथ खड़ा कर दें, आपके घर में जिसको भी आती है आप उसे उन्हें साथ खड़ा कर दें, बेसिक्स ट्रेनिंग आप खुद भी ले सकती हैं, जब आपने स्टार्ट करनी हो तो आप उन्हें जो है अपने साथ रख सकती हैं। तो इस तरह से ये होगा कि चलें जी, जो दूर दराज से आ रही हैं और वो रजिस्ट्रेशन का बार बार कह रही हैं लेकिन उनके लिए जो है यहाँ पर एक्सेस करना मुश्किल है, तो वो इस यूट्यूब चैनल से जो है वो प्रॉपर वीडियोस देखेंगी, तो इंशाल्लाह गारंटी है इस बात की कि वो अपने घर में रहकर बाइक चलाना सीख जाएंगी। देखें जी, नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा ग्राउंड हो तो आप सीख सकती हैं। देखें जी, हमारे पास भी कोई इतना ख़ास ग्राउंड नहीं है जिसमें हम जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि इसमें यह है कि हमारे पास ये ओवरऑल दिखा सकूं मैं, तो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है और ये हमारे पास इतना एरिया है कि अगर मैं यहाँ से दिखा सकूं कि ये पूरा हमारा जो है वो ट्रेनिंग का एरिया है, ये इतना ग्राउंड हमारे पास है, ठीक है। इसमें हम जो है एट अ टाइम 25 to 30 स्टूडेंट्स को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एक बैच में 25 to 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रेनिंग ले रही हैं। तो हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आती, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं जिस तरह कोर्स लगा के ट्रैक डिफरेंट बनाए हुए हैं, साइकिलिंग वाले एक ट्रैक में, बाइक वाले एक ट्रैक में, बाइक बैलेंसिंग वाले एक ट्रैक में और किक वगैरह की प्रैक्टिस और बाइक स्टार्ट करने वाले जो हैं वो एक साइड पर, तो इस तरह हमने डिवाइड किया हुआ है। देखिए जी, मैनेज करने से हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ा ग्राउंड हो, खुली जगह हो जहाँ पर आप बाइक सीख सकते हैं। आप मेरे ख्याल में आप तंग जगह पर ज़्यादा जल्दी पिक करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको मैनेज करना होता है, खुली जगह में तो चला ही लेते हैं। इसके अलावा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सलमान सिफी फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, इस पर जो है आप अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, फादर नेम, सी एन आई सी की जो है पिक्चर, फ्रंट बैक साइड दोनों साइड से जो है वो आप लेकर भेज सकते हैं, ठीक है। ये आप व्हाट्सएप कर देंगे और उसके साथ लिख देंगे कि आई वॉन्ट टू रजिस्टर माई सेल्फ फॉर बाइक ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको रिस्पॉन्स आएगा, फिर आपकी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग किस डे से स्टार्ट है, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग जब आपकी स्टार्ट होगी आपको मैसेज आएगा, आपने उस मैसेज का रिस्पांस करना है कि यस आई एम अवेलेबल, आई विल ज्वाइन, ठीक है, ताकि हमें जो है वो क्लियर हो जाए कि ये बच्चा विलिंग है और ये ट्रेनिंग के लिए आएगा। अप्लाई करने का एक ये प्रोसेस है, ठीक है। और दूसरा ये है कि सलमान सिफी फाउंडेशन की वेबसाइट पर आप जाकर खुद से जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद